उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रेलवे कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। शाहजहांपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर 72 घंटे तक चलने वाली भूख हड़ताल के दौरान नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो रेल का चक्का जाम कर देंगे। दरअसल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन पुरानी स्कीम को बहाल करने, रिक्त पदों को भरने, सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने और FDI के विरोध सहित कई मांगों को लेकर 72 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चल रही इस भूख हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो रेल का चक्का जाम कर देंगे। पूरे हिंदुस्तान में जो है हम लोग रेलवे कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहे हैं 72 घंटे की, उसी में हम लोग शाहजहांपुर शाखा भी भूख हड़ताल कर रही है। हमारा मेन बिंदु जो है वो रेलवे में जो नए लगभग 5 लाख रेलवे एम्प्लॉय आए हैं 2004 के बाद, उनको न्यू पेंशन स्कीम मिल रही है और न्यू पेंशन स्कीम का अपना कोई भविष्य नहीं है। हमारी डिमांड है कि हमारे उन रेल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। ये हम लोग केंद्रीय आह्वान पे ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। यदि मांगे नहीं मानी जाएंगी तो जैसा केंद्रीय आह्वान होगा हम लोग वैसा काम करेंगे, और यदि परिस्थिति बनी तो रेलवे कर्मचारी रेल का चक्का जाम करने के लिए भी तैयार है। किसी भी परिस्थिति से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोगों को रेल मजदूर का हक चाहिए और वो हम लोग लेकर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिशन 24x7।